बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आ चुका है और वहाँ पे आपका एक इकोनॉमिक्स का एग्जाम होता है जिसमें कि बहुत से ऐसे डाउट्स हैं बच्चों के क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो उसी डाउट में एक है जो अभी तक मैंने देखा है, बहुत से बच्चों की स्टेटमेंट गलत हो जाती है, रीजन कि उनका फोकस नहीं हो पाता या वो एबसेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अवसर लागत की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक टेबल बनाएंगे ताकि जो बच्चों को बुक लैंग्वेज है याद करने में जो परेशानी आती है वो काफ़ी हल्की हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग बुक लैंग्वेज देखें, एक बार पढ़ के देख लेते हैं कितना ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है। तो किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से है। ठीक है, एक वस्तु का जो कीमत है या जो मूल्य है वो दूसरे वस्तु के बराबर होता है जब हम एक वस्तु का त्याग करते हैं दूसरे वस्तु के लिए। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना बहुत आसान लगेगी। कब लगेगी? जब आपको ये टेबल समझ आएगा। तो आइए टेबल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, 100 रुपए है। ठीक है, आपके पास कितना है, 100 रुपए है और आपको बाजार से वस्तुएं खरीदनी है। क्या है वस्तुएं बाजार में? आलू है, ठीक है, प्याज है, आलू है, प्याज है, ठीक है, आलू। अब देखिए आलू का रेट कितना है, 10 रुपए केजी। वहीं पर प्याज का रेट कितना है, 20 रुपए केजी। ठीक है, आलू का रेट है 10 रुपए केजी, प्याज का रेट है 20 रुपए केजी। अब इस चीज को समझ लीजिए, आपको अवसर लागत समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर आपने आलू खरीदा 10 किलो, ठीक है, 10 किलो आपने आलू लिया, तो यहां पे क्या है, प्याज आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको प्याज की भी आवश्यकता है, प्याज की, मान लीजिए आपने प्याज खरीदा 1 किलो, ठीक, तो अब आलू की मात्रा कितनी खरीद पाएंगे, 8 केजी। ठीक, अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको प्याज की और ज्यादा जरूरत है, अगर आपने प्याज खरीद लिया 2 किलो, तो आलू कितना खरीद पाएंगे, 6 केजी। ठीक है, तो यहां पर इसी चीज को समझ लीजिए कि जब हम किसी एक वस्तु के उपयोग के लिए दूसरी वस्तु का त्याग कर रहे हैं, मतलब 1 किलो प्याज खरीदने के लिए कितने किलो आलू का त्याग कर रहे हैं, 2 किलो। ठीक है, 1 किलो प्याज के लिए जब 2 किलो आलू का त्याग करेंगे तो यही त्याग हमारा क्या कहलाता है, अवसर लागत कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। इसी चीज को समझ लीजिए एक बार, अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। मतलब कि जब प्याज के लिए हमने आलू का त्याग किया तो वो दोनों, जो 1 किलो प्याज है कितने किलो आलू के बराबर था, 2 किलो आलू के बराबर था, दोनों का मूल्य, मतलब कि 2 किलो आलू का मूल्य 1 किलो प्याज के मूल्य के बराबर होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।